नमस्कार, स्वागत है आपका विजल न्यूज इंडिया में। मैं हूं अशोक वानखड़े, फिर लाया खबर के पीछे की खबर। खबर यह है, हरिद्वार के आयुर्वेदिक लेबोरेटरी में जो 83 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट चेक हुए उसमें से 32 यानी 40% प्रोडक्ट फेल्ड है। जो बड़े 32 प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड पाए गए उसमें पातंजलि के भी 2 प्रोडक्ट है। पातंजलि का दिव्य आमला जूस और शिवलिंग की बीज, ये जो 2 प्रोडक्ट है दोनों सब स्टैंडर्ड पाए गए। हाल ही में कलकत्ता लेबोरेटरी में भी जब आमला जूस पातंजलि का फेल हुआ तो आर्मी कैंटीन ने भी उसे अब बैन कर दिया है। हरिद्वार के लेबोरेटरी में प्रोडक्ट का फेल होना बात बड़ी इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड में 1000 से ज्यादा फैक्ट्रियां आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की है। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां देश के सभी आयुर्वेदिक बड़ी कंपनियों का प्रोडक्शन बेस है। पतंजलि ग्रुप का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में आने के बाद ये मार्केट कई फोल्ड बड़ा हो गया और जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बिना विज्ञापन के बिकते थे आज सबसे ज्यादा विज्ञापन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के ही हो रहे हैं। जिस हिसाब से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का चलन इस देश में हो रहा है उसमें इन प्रोडक्ट्स का सब स्टैंडर्ड पाया जाना गंभीर बात। खबर के पीछे की खबर यह है, जैसा जैसा ये आयुर्वेदिक का मार्केट बड़ा होते जा रहा है वैसा वैसा प्रोडक्शन पे भी ज्यादा जोर पड़ रहा है। जब मांग और आपूर्ति के बीच में खाई बढ़ती है तो फिर ये प्रोडक्ट किसी और कंपनी से जॉब वर्क पे बनाए जाते हैं जहां क्वालिटी कंट्रोल नाम की कोई चीज नहीं होती। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ने पतंजलि उद्योग की सबसे मॉडर्न प्रयोगशाला का लोकार्पण किया, लेकिन फिर सवाल यही उठता है, पतंजलि उद्योग ने वो सिर्फ दिखावे के लिए किया या वाकई अपने प्रोडक्ट वहाँ चेक किए जाते? यदि इतने बड़े प्रयोगशाला में प्रोडक्ट चेक होते हैं तो फिर सरकारी लेबोरेटरीज में वो प्रोडक्ट फेल क्यों हो रहे हैं? यह है खबर के पीछे की खबर, देखते रहिए विजल ब्लॉग न्यूज इंडिया।